कबीरदेव ने बार बार झकझोरा लोगों को कि आपन आस कीजे बहुत तेरा, सारे लोग भाई बहन अपनी श्रम और साधना का भरोसा करो, सारे लोग अपने जीवन का समुद्धरता स्वयं को समझो मानो, सारे लोग गुलाम मत बनो। कबीर साहब का संदेश रहा है कि सारे लोग अपना स्वामी बनो, प्रभु बनो। अच्छा, रजनीश ने दो बातें कही। उन्होंने कहा तुलसी कचरा, कहा कैसे, कहा ही आदमी प्रभु बन सकेगा स्वामी बन सकेगा को रास्ता ही अवरुद्ध कर दिया। कहा कैसे, कहा धर्म न अर्थ न काम रुचि, अगति न चहो निर्वाण, अजन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान न आन। हमको धर्म नहीं चाहिए, जस नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, कल्याण नहीं चाहिए, स्वामी नहीं बनना चाहिए हमको, जन्म जन्म हम राम जी के पैर के गुलाम बने रहें। ये गुलामी सिखाई गोस्वामी तुलसी ने, प्रभु मत बनो, दास बने रहो, गुलाम बने रहो। सदगुरु कबीर ने कहा कि नहीं नहीं, प्रभु बनो, स्वामी बनो। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि शरीर का स्वामी आत्मा है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो व्यतितं प्राहु क्षेत्रयितुदः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन इदं शरीरं किम का क्षेत्रम, इस शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र शब्द का ही अपभ्रंश खेत है जिसका प्रयोग आप लोग करते हैं, बिगड़ा हुआ रूप है क्षेत्र का। इस शरीर रूपी खेत का स्वामी कौन है, इसका क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्रम जानाति थी क्षेत्रज्ञ। इस शरीर रूपी क्षेत्र का स्वामी कौन है, का आत्मा। कबीरदेव कहते हैं कि उस आत्म तत्व को समझ करके तुम स्वामी बनो, प्रभु बनो, तुम प्रभु हो। अपने गुण कह अवगुण कहू यही अभाग जो तुमन विचार हो। कबीर साहब कहते हैं जो सर्वतंत्र स्वतंत्र तुम्हारा गुण है जी चेतन, उसको तुम अवगुण बदल दिया। तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, तुम अपने को परतंत्र मान रहे हो, अपने को गुलाम मान रहे हो, अपने को दास मान रहे हो, प्रभु बनो। अपने जीवन का समुद्धरता स्वयं बनो। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि नात्मा नव अवसादयेत, अपनी नासमझी और अकर्मण के द्वारा अपने जीवन का अवसादन मत करो, अपने जीवन का पतन मत करो, क्योंकि तुम अपना समुद्धरता स्वयं हो, तुम्हारा समुद्धरता कोई नहीं है। आत्मानम आत्मना उद्धरेत, अपने आप के द्वारा अपने आप का उद्धार करो, पतन मत करो। तो कबीरदेव कहते हैं कि आपन आस कीजे बहुत तेरा, जिसके भरोसे तुम हाथ पर हाथ देकर बैठे हुए हो, काहू न मरम पावल हरि केरा, ऊपर वाले का पता किसी को नहीं है। और आप भी जरा विचार करके सोचो, जो समस्याएं हमारे देश में भी हैं, जातिवाद की समस्या है, स्वार्थ परतापूर्ण राजनीति की समस्या है, वर्गवाद की समस्या है, वर्णवाद की समस्या है, ऐन्द्रिक लंपटता की समस्याएं हैं, जमाखोरी मुनाफाखोरी की समस्या है, नशा दुर्व्यसन की समस्याएं हैं, जितनी समस्याओं से आज हमारा जीवन घिरा हुआ है, चारों तरफ से त्राहिमाम की आवाज आ रही है, इस समस्या को समझने वाला ऊपर कोई है क्या? कबीरदेव कहते हैं जिन समस्याओं से तुम्हारा जीवन घिरा हुआ है, उन समस्याओं को समझने वाला ऊपर कोई नहीं है। फिर तुम कह क्या रहे हो कि ऊपर वाला जाने, और ऊपर वाला जाने से कोई आप समझ बूझ करके कहते हैं सो बात नहीं है, ऐसा ही आप सुनते आए हैं, आप भी कहते जा रहे हैं, आप बोलते हैं, आपका बाल बच्चा भी कहता जा रहा है, एकदम आनुवंशिक ये परावलंबन का भाव हमारे यहाँ है। हम भी कहते हैं ऊपर वाला जाने, हमारा बेटा भी कहता है ऊपर वाला जाने, लेकिन कोई खड़ा होकर के प्रश्न करके ऊपर वाला कहां है,
तो आदमी चौंक जाएगा, कौन है ऊपर वाला भाई। एक बूढ़ी माँ अपने घर में सोई हुई थी, रात का समय था, गहरी नींद में थी, अवस्था अधिक हो गई थी, मुंह के दांत सब तीर्थ करने चले गए थे। दांत के बिना मुंह था, सांस लंबी ले रही थी, मुंह खुल गया था। चोर लोग घर में घुसे तो सामान तो लिए, कहा जा रहा सोई घर में भी देख लो क्या बर्तन कैसा है। तो बर्तन तो जैसा था वैसा था, लेकिन संजोग ऐसा था कि उस घर में बनी थी खीर। घर वालों ने खीर खा करके फिर भी थोड़ी खीर बच गई थी। चोरों ने कहा कि यही कम सौभाग्य नहीं है, चलो थोड़ा थोड़ी थोड़ी खीर खा लो। एक मनोविनोदी चोर था बेचारा, वो खीर खाने के बदले क्या किया, वो खीर की गोली बना करके बूढ़ी माँ जो सोई हुई थी मुंह खला था, एक खीर की गोली मुंह में रख दिया। अब तो प्रसुप्त अवस्था, वृद्ध कंठ के सामने जाकर खीर की गोली जगह ले ली, सांस अवरुद्ध होने लगी, गलगलाई वो, सब लोग जग गया। अब कुछ लोग तो बाहर निकल गए, समर्थ था सो बाहर भाग भी नहीं सका, दो चोर खाट के नीचे ही बैठ गए। दो चोर घाट खाट के नीचे बैठ गए, भाग नहीं सका वो। आ दो चोर फान करके बरेरी पर चढ़ गए। अब जब घर का आदमी आया, बूढ़ी माँ से कहता है कि माँ इस सामान का गट्ठर कौन बनाया, यहां तो सब लोगों को एक ही समाधान है कि ऊपर वाला जाने। और समय में इतना कुहासा क्यों लगते, तो ऊपर वाले की मर्जी, इतनी कड़ाके की ठंड लंबे समय से क्यों है, तो ऊपर वाले की मर्जी। इस सब कुछ पर हम लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जाने। इसी परंपरा को, इसी संस्कार को बूढ़ी दोहराती चली गई कि गट्ठर कौन बनाया, कहा ऊपर वाला जाने। अब दोनों ऊपर में चोर था, वो सोचता है कि शायद बुढ़िया हमको देख लिया है। कहा तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कौन किया, कहा ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला जाने सुनते सुनते उन दोनों चोरों को रहा नहीं गया, कहा गए बुढ़िया हम ही ऊपर के जानबे दूटा खटियोक्तर मत छो। एक परंपरा बन गई कि ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला गलत नहीं है, समझ लीजिए इस बात को, ऊपर वाला बहुत सही कथन है। ऊपर वाला है क्या, इसका समाधान गीता में है कि इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तु सः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्थूल शरीर से इंद्रिय गोलक सूक्ष्म है, इंद्र से भी सूक्ष्म, इंद्रियों से भी सूक्ष्म और पर मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी सूक्ष्म और पर बुद्धि है। जो बुद्धे परतस्तु सः, पूर्ण विराम, बुद्धि से भी सूक्ष्म और पर है सैव आत्मा, उसके अलावे ऊपर कोई नहीं है। आपकी जो आत्मा है यही आत्मा सर्वोपरि सत्ता है। ऊपर वाला जाने कथन गलत नहीं है। इस सारे उपकरणों से जो ऊपर है, जिन सारे उपकरणों पर जो जिसकी सत्ता है, उस चेतन का संबंध मन से होता है, बुद्धि से होता है, बुद्धि का संबंध मन से होता है, मन का संबंध इंद्रियों से होता है, इंद्रियों का संबंध विषयों से होता है, सारी क्रियाएं होती हैं। जब उस ऊपर वाले की सत्ता की चेतना शक्ति संकुचित हो जाती है, जिसमें सुसुप्ति में आप लोग होते हैं, उसमें क्या होता है, आत्मा की सत्ता आत्मा में सिमट जाती है, मन का पता नहीं चलता मन किधर गया। सुसुप्ति में मन का पता नहीं चलता है, बुद्धि का पता नहीं चलता है, सारी इंद्रियाएं निष्क्रिय हो जाती हैं, क्योंकि सर्वोपरि सत्ता आत्मा है। और आत्मा के संबंध का संबंध, सत्ता का संबंध जो मन से बुद्धि से इंद्रियों से विषयों से होता है, ये सारी क्रियाएं होती हैं, तो सर्वोपरि सत्ता ये आत्मा है। और आत्मा को भ्रम हो गया कि हमारे ऊपर भी कोई है,
ये जो परावलंबन का भाव है उसी से हमारी चेतना शक्ति कुंठित हो गई है। यही परावलंबन का भाव हमारे चेतना शक्ति को प्रसुप्त कर दिया है। इस सत्संग के द्वारा प्रसुप्त चेतना शक्ति का उद्घाटन होता है। यही सत्संग मंच का उद्घाटन है। इस सत्संग स्वयं अपने आप में उद्घाटक है। सत्संग से ही इन तमाम संत महापुरुषों का उद्घाटन हुआ है, तभी आपके पास ज्ञान का उद्घाटन करने आए हैं। सभी लोग उद्घाटित हैं। संग और स्वाध्याय के द्वारा इनका उद्घाटन हुआ है। इस सारे लोग उद्घाटित हैं। उसी प्रसुप्त चेतना के जागरण करने के लिए सत्संग होता है। कई बार मैंने इस प्रसंग में एक कहानी कही है कि विनोबा जी के सामने कुछ शिक्षक गण चले गए, अध्यापक लोग। तो विनोबा जी बड़े मनोविनोदी थे। मैंने उनके निकट बैठ करके उनके स्वभाव को देखा। उन उस जमात से विनोबा जी ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? कहा कि अध्यापक हैं। अब कई भाषाओं के पारंगत विद्वान विनोबा जी जब कह दिया कि हम अध्यापक हैं, तो क्यों अध्यापक हैं इस बात को विनोबा जी नहीं जानते थे, उनका मनोविनोदी स्वभाव। उन लोगों ने कहा कि हम लोग अध्यापक हैं। कहा काम क्या करते हैं? कहा अध्यापन का। विनोबा जी ने पूछा कि अध्यापन का उद्देश्य? कहा बच्चों को साहित्यिक बनाना। तो विनोबा जी ने कहा कि आज तक कितने कालिदास पैदा किए हो? तो दिन में ही सारे अध्यापक तारा खोजने लगे, सभी निरुत्तर हो गए। संत विनोबा भावे ने कहा कि अध्यापक हो, बच्चों को अक्षर का बोध करा रहे हो, नमस्कार करता हूं, इन अध्यापन का उद्देश्य अच्छा नहीं है। शिक्षा का मतलब बच्चों को साहित्यिक बनाना नहीं है। एक कबीर विचार मंच के द्वारा जब विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, आप सभी लोगों को कबीरपंथी बनाना इस मंच का उद्देश्य नहीं है। और संप्रदाय वाले चाहते हैं कि हमारे विचारों को सुनकर के हमारे संप्रदाय में चले, हमारे संप्रदाय को मान लें। कबीर विचार मंच कबीरपंथी बनाना नहीं चाहता है। आप सही विचारक बन जाओ। आपको ईश्वरवादी बनाना नहीं चाहता है। अपनी चेतना से आप समझो कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, प्रभु क्या है। इस शक्ति पैदा करता है कबीर विचार मंच। विनोबा जी ने कहा कि अध्यापन करते हो, अध्यापन का उद्देश्य ठीक नहीं है। शिक्षा का मतलब बच्चों को साहित्यिक बनाना नहीं है, बल्कि शिक्षा का मतलब है बच्चों के अंतर्निहित चेतना शक्ति को जगा देना। जब उसकी चेतना शक्ति जग जाएगी तो फिलॉसफर बनेगा, वो वैज्ञानिक बनेगा, वो पहलवान बनेगा, धनुर्धर बनेगा। उसकी चेतना शक्ति को जगाओ पहले। उसी तरह से ये सत्संग हमारी प्रसुप्त चेतना शक्ति को जगाता है।